अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटे आज हम सीखेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ अ नाउन मींस नंबर। आज का जो हमारी क्लास है वो बहुत अहम होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश की राइटिंग में प्रोफिशिएंसी चाहते हैं, मीन्स जो नाइन्थ टेंथ के बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, और इंटरमीडिएट में ख़ास तौर पे जो आगे एमकैट का टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए ये अहम है। और ख़ास तौर पे बताता चलूँ, पीपीएससी की सीट्स आई हुई हैं जिनमें इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर और मैथ का पेपर, दो पेपर्स पर मुश्तमिल एक टेस्ट है। तो जो बच्चे उस टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम क्लास होने वाली है, क्योंकि आज नाउन में जो सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन पे। जहां भी आपको नाउन की बात आए तो आपके जहन में एक आइडिया आना चाहिए, नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। इसके बारे में आप डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। नाउन इज अ वर्ड विच रेफर्स पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्टिविटी, इस तरह से मुख्तलिफ चीजों के नाम को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसे नाउन कहते हैं। नाउन की कुछ बेसिक टाइप्स हैं। अगर आप बात करें नाउन की टाइप्स की तो सबसे बुनियादी दो टाइप्स हैं, एक है कंक्रीट और दूसरी है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या है इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। पहले आप देखें, कंक्रीट से आगे दो और टाइप्स बनती हैं जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं और प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद आपने देखना यह है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। कॉमन नाउन से दो और टाइप्स बनती हैं, एक कलेक्टिव नाउन है। सबसे पहले आप देखें एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है विच इज नॉट टचेबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता, अनटचेबल यानी ऐसा नाम या कोई भी चीज जिसको आप छू नहीं सकते उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और कंक्रीट ऐसी चीजों के नाम, कंक्रीट नाउन ऐसी चीजों के नामों को बोलते हैं जिनको आप छू सकते हैं, मींस टचेबल बोलते हैं। एक बात याद रखें, नाउन के बारे में जब नेमिंग वर्ड आपको कहा जाता है तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, कार, गर्ल, टेबल, इसी तरह से मार्कर, असलम, स्मिथ, एलिजबेथ, ये मुख्तलिफ नाम हैं जो आपके सामने आते हैं। इनमें टचेबल कौन से हैं और जिनको छुआ नहीं जा सकता, जैसे एब्स्ट्रैक्ट की मैं अगर कोई मिसाल दूं, आपके सामने मिसाल बनती है ब्रेवरी, इसको आप छू नहीं सकते, हैप्पीनेस, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हैं। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हैं। और अगर हम बात करते हैं कंक्रीट की, मार्कर कंक्रीट है, ठीक है जी, इसी तरह से बोर्ड है, ये कंक्रीट है, कैमरा है, ये कंक्रीट है, ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। अब कंक्रीट में अगर आप आ जाएं तो दो तरह की और टाइप्स बनती हैं, एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। और मैंने आपको बताना है कि कॉमन नाउन अ नेम ऑफ ऑर्डिनरी थिंग, किसी ऑर्डिनरी चीज का नाम। अब जो है ये क्या है? कॉमन नाउन है, मीन्स कोई भी गर्ल, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं जब ये कहूंगा एलिजबेथ तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ आई आपको बात की? इसी तरह से प्रॉपर नाउन की और भी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। किसी खास चीज जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। खास चीज जगह में कायदे आजम हो सकते हैं, अलामा इकबाल हो सकते हैं, कुरान पाक हो सकता है, बाइबल हो सकता है।
ठीक है, जब भी किसी खास चीज जगह का नाम लेंगे वो प्रॉपर नाउन होगी। उसके बाद आ जाते हैं कॉमन नाउन की दो और टाइप्स हैं, एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो रेफर करता है नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ अ ग्रुप, ये ग्रुप के नाम को जाहिर करता है। इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इसमें किसी भी एक इंफरादी शय या किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल नाउन। इंडिविजुअल नाउन को आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया एक प्लूरल है, और अगर आप इंफरादी तौर पे बैक्टीरिया को देखें तो वो बैक्टेरियम कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा मैं इसको जरा समराइज करने लगा हूं। नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज जगह नाम एक्टिविटी आइडिया को हम जो भी ह्यूमन सेंसेस से परसीव कर सके फील कर सके उसको नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप छू ना सकें वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिस तरह से जैसे हैप्पीनेस, कितनी हैप्पीनेस है कोई नहीं बता सकता, तो उसको हम छू नहीं सकते, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह कंक्रीट है, ठीक है जी। स्वीट मैंगोज, मैंगो क्या है इसको हम छू सकते हैं, ये क्या है एक कंक्रीट नाउन है। ठीक है जी, दो टाइप्स आ गई, वो क्या है प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर क्या है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग पर्सन प्लेस और एनी आइडिया विच इज वेरी पर्टिकुलर। ठीक है जी, इसमें मैंने मिसाल दी एलिजबेथ की। इसी तरह से कॉमन है, प्रॉपर नाउन में और भी मिसालें आपको दी थी, कायदे आजम, होली कुरान, और उसके बाद कॉमन में गर्ल, कार, बॉय, कोई भी कॉमन या आम आइडिया जो भी हो उसके नाम को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और कलेक्टिव और इंडिविजुअल और कलेक्टिव आगे इसकी दो टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं नाउन के प्लूरल किस तरह से बनाने हैं, तो मैं अब आपके सामने अब बताने लगा हूं कि हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ अ नाउन, कि किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। इसमें मोर देन 10 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो बेसिक टाइप होती है जो बच्चों को बताया जाता है, वी कैन मेक प्लूरल बाय एडिंग एस। अगर एस ऐड कर लिया जाए तो आप प्लूरल बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी हुई है, कुछ डे है तो आप इसका बना सकते हैं डेज प्लूरल। डॉग है तो आप इसका प्लूरल बना सकते हैं डॉग्स। एस ऐड करते जाएंगे, हाउस है आप इसका हाउसेस बना सकते हैं। पेन है आप इसका प्लूरल पेन्स बना सकते हैं। अब प्लूरल बनाने के लिए नाउन का मैंने सेकंड टाइप लिखी है। सेकंड टाइप में आप एक चीज नोट करें कि हम प्लूरल बना सकते हैं जस्ट बाय एडिंग ईएस। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जस्ट ईएस लगा प्लूरल बना सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये टोमेटो है, एक ऐसा वर्ड है जिसके आखिर पे वोवल है, और उसके बाद ये ब्रश है, ब्रश एक ऐसा वर्ड है जिसके आखिर पे शीन की साउंड है, उसके बाद बॉक्स है जिसके आखिर पे एक्स है, उसके बाद चर्च है जिसके आखिर पे च साउंड है, च साउंड चे की। उसी तरह से ये वर्ड किस है, इसके आखिर में सीन की स साउंड है, सी साउंड, स साउंड। पता चला कि ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर पे ये साउंड्स होंगी, सादा लफ्जों में वोवल्स, सीन, सीन, शीन, चे, एक्स, ये साउंड्स आ जाएं जिन वर्ड्स के आखिर पे, अगर आप उनका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपने ईएस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ईएस ऐड करना है। अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा? टोमेटोज, ये आपने ईएस ऐड कर दिया। इसी तरह से ब्रशेस, यहां पर भी आपने ईएस ऐड कर दिया। बॉक्स, बॉक्सेस। इसी तरह से चर्च, तो अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो चर्चेस। यहां पर भी किसेस। प्लूरल बनाना एक मुश्किल चीज है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं,
आप देख सकते हैं ये हमने ईएस ऐड किया है। तो जब आपने ईएस ऐड कर देना है तो बेसिक जो चेंज आना है वो क्या है, नंबर में, क्योंकि टू मेक प्लूरल इसको हम नंबर भी बोलते हैं, नंबर्स, नंबर ऑफ अ नाउन। नंबर किस तरह से चेंज होता है, ये सिंगुलर है और यहां पर हम प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है जी। अब हम टाइप टू में, अब थोड़ी सी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है, इंग्लिश जैसा कि आपको पता है लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज का एक ब्लेंड है, यानी इंग्लिश में कुछ वर्ड्स फॉरेन लैंग्वेज के भी आए हुए हैं। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि रूल टू यानी टाइप टू में थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। वर्ड्स को आपने ज़हन में रखना है, इन वर्ड्स के जो फॉरेन वर्ड्स हैं ना उसमें आखिर पे जब कभी वॉवल भी आ जाए, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वॉवल आए तो ई एस लगाना है, लेकिन अगर तो फॉरेन वर्ड्स हैं पियानो, किलो, फोटो, ये वो वर्ड्स हैं जो जिनके आखिर पे वॉवल तो आ रहा है, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए, फॉरेन वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए जस्ट ऐड करना है आपने, ऐड क्या करना है, एस। मिसाल के तौर पे इसके आखिर पे आपने जस्ट डायनेमोज हो जाएगा ये, इसी तरह से पियानोज हो जाएगा, जस्ट आपने एस ऐड करना है। इसी तरह किलो है आपने किलो के आखिर पे एस ऐड करना है। फोटो है, फोटो का प्लूरल बनाने के लिए आपने एस ऐड करना है। ये वो वर्ड्स हैं जो फॉरेन ओरिजिनेटेड हैं, आप देख सकते हैं इनके आखिर में जस्ट आपने क्या ऐड किया है, एस ऐड किया है। एस ऐड करने से ये फॉरेन ओरिजिन के जो वर्ड्स हैं वो भी प्लूरल बन जाते हैं। अब हम आते हैं टाइप थ्री की तरफ। टाइप थ्री में क्या होगा, टाइप थ्री में आपके पास जो आप गौर करें तो वर्ड्स कौन से हैं, वो सारे वो वर्ड्स हैं जिनके आखिर पे वाई आ रहा है। आप गौर कर सकते हैं एग्जांपल्स में, टाइप थ्री में वाई आ रहा है, तो जब वाई आ जाएगा तो आपने जस्ट आप प्लूरल बना सकते हैं बाय एडिंग आई ई एस। आप लोग क्या कर सकते हैं जी, आई ई एस, वाई को हटा के आप आई ई एस लगाएंगे। इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन भी है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं। पहले हम इसको जरा प्लूरल बना के देखते हैं, बेबी है तो आपने वाई को हटाने और आई ई एस लगा देना है, बेबीज हो जाएगा। इसी तरह से कंट्री है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। फ्लाई है, आई ई एस लगा देंगे, फ्लाइज बन जाएगा। लेडी है तो आप लेडीज वाई को हटा के आई ई एस बनाएंगे। अब वाई में और बॉय में और डे में आप देखें, ये वो वर्ड्स हैं, अगर मैं बॉय को यहां पे लिखूं और आपसे कहूं गौर करें, आप गौर करें तो वाई से पहले ऐसा लेटर है जो वॉवल है, ये वॉवल है, और जब कभी भी वाई से पहले वॉवल आ जाए, जैसे बॉय में आपने देखा, डे में देखा है, डंकी है इसकी एग्जांपल, तो आप वाई को खत्म नहीं करेंगे बल्कि आप क्या करेंगे, जस्ट इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह से ये डे है, डे में आप जस्ट एस का इजाफा करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ये वाई के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया है जी। तो नाजरीन अब हम करेंगे टाइप फोर। टाइप फोर में जाने से पहले आप इन वर्ड्स पे जरा गौर करें, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके आखिर पे एफ आर है या एफ ई आर है। लूफ, वाइफ, वुल्फ, काफ, हाफ, नाइफ, ये वो वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स जिनके आखिर पे एफ आएगा या एफ ई आएगा, इनका प्लूरल बनाने का तरीका कार टाइप फोर में हम बताएंगे। टाइप फोर में आपने जस्ट एफ और एफ ई को ड्रॉप कर देना है, मींस खत्म कर देना है, और वी ई एस इसको आपने ऐड कर देना है। आप यानी आप बना सकते हैं प्लूरल बाय एडिंग वी ई एस, और आपने ड्रॉप क्या करना है, एक एफ को और ई को ड्रॉप कर देना है। आपके सामने मैं एग्जांपल पेश कर रहा हूं, ए
एफ, ये एफ आपने ड्रॉप कर देना है, उसके बाद वी ई एस लगा देना है। इसी तरह से वाई वाइव्स एफ और ई को ड्रॉप करके वी ई एस लगा देना है। यहां पर एफ को ड्रॉप किया, वी ई एस लगा दिया। यहां भी आप देखें ए एल वी ई एस, ठीक है जी। इसी तरह से हाव्स नाइव्स, तो ये वो मेथड है जिस तरह से आप जिनके ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर पे एफ या एफ ई आए तो आप उनको प्लूरल बना सकते हैं। आपने करना क्या है, एफ को ड्रॉप करना है और ई एफ एफ ई को ड्रॉप करना है और वी ई एस लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए बाय एडिंग वी ई एस। तो नाजरीन अब आपके सामने टाइप फाइव है। टाइप फाइव में मैंने आपके सामने जो वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स में आप किस तरह से प्लूरल फूड, फुट है, माउस है, वुमेन है, टूथ है और गूज है, आपने इनको प्लूरल बनाना है। आप और करें, इनमें वॉवल्स जो आ रहे हैं, अगर आप इनके वॉवल्स को चेंज कर देते हैं, कैसे चेंज करेंगे वो हर वर्ड के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो बेसिक कैटेगरी है ये, इस कैटेगरी में वॉवल चेंज होते हैं। वॉवल जब चेंज होंगे तो आपके सिंगुलर से ये वर्ड प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसमें हम कहें बाय चेंजिंग वॉवल, तो टाइप फाइव के अंदर हम वॉवल चेंज कर रहे हैं, ये फुट है, अगर आप इसके वॉवल चेंज कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है फीट। ये माउस है, आप इसके वॉवल को चेंज करें एम आई सी ई माइस बन जाता है, ये प्लूरल बन जाएगा। वुमेन है, तो इसका अगर आप वॉवल चेंज करते हैं यहां पर तो ये वो मेन बन जाएगा जो कि एक प्लूरल है। टूथ है, इनके वॉवल को चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, टीथ बन जाएगा। गूज है, इसके आप वॉवल को चेंज करें, ये क्या है जी, प्लूरल गीज बन जाएगा। तो इस तरह से बाय चेंजिंग वॉवल वी कैन मेक प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स जी। तो नाजरीन ये आपके सामने टाइप सिक्स है। टाइप सिक्स की खास बात ये है कि ये एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसका फायदा क्या होगा आपको, इन वर्ड्स के सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। ये वर्ड्स सिंगुलर लग रहे हैं, हेयर सिंगुलर है लेकिन लग रहा है, लेकिन इसका प्लूरल जो है वो हेयर्स नहीं होता, हम इसका प्लूरल भी यही हेयर ही यूज करते हैं। इसी तरह पीपल है, डियर है, फिश है। फिश के बारे में थोड़ा सा लोगों का इतराज है, कुछ कहते हैं फिशेज होता है, और उनका कहना ये है कि फिशेज उस सूरत में होता है जब एक से ज्यादा टाइप की मछली हो। फॉर एग्जांपल एक दो किलो हमारे पास अगर मछली है एक ही टाइप की है, रहू ही है, तो फिर हम वो फिश ही बोलेंगे। अगर रहू है, बाम है, कैटेगरी मुख्तलिफ हो गई तो फिशीज हो जाती हैं, ठीक हो गया। अदरवाइज बाकी ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, कैटल, शीप, ऑफस्प्रिंग, पोल्ट्री, फर्नीचर, सीनरी, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, स्वाइन होता है, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन ही होता है, वेकेशन का प्लूरल भी वेकेशन है, स्टेशनरी, मशीनरी, ये वो वर्ड्स हैं जो प्लूरल का सेंस भी देते हैं और सिंगुलर का सेंस भी देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब कभी भी ये सेंटेंस में यूज होंगे ना, दे कैरी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। ये बात आपने जेहन में रखनी है। अगर आप ये बात जेहन में रखेंगे तो आपका सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा, और ये इनको याद रखेंगे तो आपका नंबर भी ठीक हो जाएगा। अब आपके सामने टाइप सेवन मैंने रखी है। टाइप सेवन के अंदर जो वर्ड्स हैं वो हैं स्टडीज, वेजेस, गुड्स, ट्राउजर्स, ऑर्डर्स, न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स, एथिक्स, मींस, इनिंग्स, पॉलिटिक्स वगैरह। ये वर्ड्स देखने में प्लूरल लग रहे हैं आपको, लेकिन ये सिंगुलर भी जब कभी आए ना तो ये एस के साथ ही यूज होते हैं। यानी ये वर्ड्स बजाहर, जैसे आप लोगों ने टाइप सिक्स में देखा, बजाहर वो सिंगुलर लग रहे थे,
वो प्लूरल भी, वो बेसिकली एज ए प्लूरल यूज होते हैं, प्लूरल ही मीनिंग देते हैं, ठीक है जी। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगता है, ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है जी। एक खबर भी हो तब भी यही लगेगा, न्यूज ही लगेगा। एक भी हुक्म हो हम ऑर्डर्स ही लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आपने इनको एज इट इज याद करने, स्टडी नहीं बनाना, स्टडीज ही है, वेजेस ही होता है, वेज नहीं होता, ठीक है। आपने इनके साथ जब कभी सेंटेंस में यूज करना है इनको, दे कैरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये कैरी करते हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? सिंगुलर। तो नाज़रीन उम्मीद है आज आपने सीखा होगा कि नाउन क्या है, नाउन की टाइप्स कौन सी हैं और नाउन को प्लूरल किस तरह से बनाना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है और इनकी बुनियाद पर कौन कौन सी गलतियां होती हैं, नाउन एरर्स कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी इंशाल्लाह ताला आप जरा इंतजार करें, चंद दिन में नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम आपको बताएंगे नाउन की वजह से सेंटेंस में एरर कौन से होते हैं, वो एग्जांपल्स भी लेके आएंगे और आपको रूल्स भी बताएंगे। अपना ख्याल रखिए, फी मानिल्लाह।